प्रेजेंट टीचर। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कंजक्शन में, कंजक्शन कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप के, उसमें से दो टाइप देख चुके हैं, एक टाइप बचा हुआ है। आइए देखते हैं थर्ड टाइप क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन। ठीक है, कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है? अ कंजक्शन दैट इज ऑलवेज यूज इन अ पेयर इज कॉल्ड अ कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन वैसे कंजक्शन होते हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं दो के साथ। ठीक है, उसको हम लोग पेयर में यूज करेंगे, उसके साथ दो आएंगे, दो वर्ड होंगे, दोनों एक साथ आएंगे, वो सिंगल नहीं यूज होते। ठीक है, जैसे देखिए, नीदर राज नॉर राम डिड वेल इन द टेस्ट। ना तो राज और ना ही राम, दोनों में से कोई भी टेस्ट में, एग्जाम में अच्छा नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये नीदर और नॉट, ये दोनों कंजक्शन है, ये हमेशा साथ में आएंगे। ठीक है, नीदर के साथ नॉट आएगा। ठीक है, ये फिक्स है। तो क्या हो गया, ये जो हो गया कोरिलेटिव कंजक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक साथ आएंगे। ठीक है, एक और होता है, देखिए, शी स्टडीज नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो मैथ्स। वह पढ़ती है ना केवल इंग्लिश बल्कि क्या, मैथ। तो यहां पे देखिए नॉट ओनली, और यहां देखिए बट ऑल्सो, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमेशा पेयर में यूज होंगे, ये आएगा तो ये भी आएगा। ठीक है, सिमिलरली नीदर नॉट, इसी तरीके से और भी होते हैं, जैसे देखिए नीदर और, इधर आएगा तो और भी आएगा। ठीक है, नीदर नॉट तो हम लोग देखें एग्जाम्पल, सो डेट बोथ एंड, बोथ के साथ एंड आएगा। ठीक है, फिक्स होते हैं, सच के साथ डेट आएगा, ये फिक्स है। ठीक है, नो सुनर डेट, नो सुनर के साथ डेट आएगा, ये फिक्स है। ओके, नॉट ओनली बट ऑल्सो, देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो तो अभी हम देखे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ कंजक्शन होते हैं जो हमेशा हम लोग पेयर में यूज करते हैं, इसका अलग अलग यूज रेयरली होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, जनरली इसको हम लोग पेयर में यूज करते हैं, और इन पेयर में यूज करने वाले जो वर्ड्स है, कंजक्शन है, इसी कंजक्शन को हम लोग कहेंगे कोरिलेटिव कंजक्शन। ठीक है, कोरिलेटिव कंजक्शन कहेंगे, गॉट इट। तो ये था कोरिलेटिव कंजक्शन, हम लोग देखे यहाँ पे कौन कौन सा है, इधर और, नीदर नॉट, सो दैट, बोथ एंड, सच दैट, नो सुनर दैट, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शन। सुटेबल कंजक्शन जो है उसका यूज करना है, ब्रैकेट में आपको दो तीन एग्जाम्पल जो यूज होने वाला होगा वो दिया हुआ है, उसमें आपसे, उसमें से आपको उसमें चुनना है कि कौन सा फिट बैठेगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ईट ऑल द फूड डैश यू विल बी हंग्री लेटर। ईट ऑल द फूड, जितने भी खाना है सब खा जाओ, डैश यू विल बी हंग्री लेटर, आप बाद में भूखे हो जाओगे। अब यहाँ पे क्या होगा, चेंज देखिए, मीनिंग देखिए इन दोनों का, और बताइए कि क्या यूज होगा, एंड होगा और होगा या बट होगा, क्या होगा, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे दो चीज का सिलेक्शन करने के लिए बोला जा रहा है ना, या तो आप भोजन खा लो कर लो, या फिर आप भूखे हो जाओगे बाद में, भूख लग जाएगी आपको बाद में, ये दोनों में से कोई एक होगा ना, सिलेक्शन वाली ऑप्शन आ गई इधर, दोनों में से कोई एक काम करना होगा। तो जहां भी सिलेक्शन वाली ऑप्शन आ जाएगी, वहां चुनने वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो वहां पे हम क्या करते हैं, और का यूज करते हैं ना, यहाँ देखिए तो और लगाएगा तो क्या मीनिंग निकलेगा, ईट ऑल द फूड और यू विल बी हंग्री लेटर, आप भोजन, जितना भी भोजन है सब खा लो, ठीक है, और या यू विल बी हंग्री लेटर, नहीं तो आप बाद में भूखे महसूस करोगे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये दोनों में से कोई एक होगा ना, इसके लिए लोग और यूज करते हैं, गॉट इट। अगला है, शी फाउंड हर हैंडबैग डैश शी हैड लेफ्ट इट। शी फाउंड हर हैंडबैग, वह अपना हैंडबैग फाउंड, मींस
मिल गया, ठीक है, उसको अपना हैंड बैग मिल गया, डैश सी हैड लेफ्ट इट, जहां पे वह छोड़ी थी उसको अपना हैंड बैग मिल गया। अब यहां पे क्या होगा बताइए, सी फाउंड हर हैंड बैग वेयर सी हैड लेफ्ट इट, वह अपना हैंड बैग, उसको अपना हैंड बैग मिल गया जहां वह छोड़ी थी, ठीक है। यहां पे क्या होगा, जहां यानी प्लेस बता रहा है ना, प्लेस वाली कंजक्शन यूज करेंगे ना, प्लेस वाली सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ प्लेस जो हम लोग पढ़े थे। तो यहां पे क्या होगा, प्लेस वाली कंजक्शन क्या है बताइए, वेयर, तो यहां पे क्या होगा, वेयर शी फाउंड हर हैंड बैग, हैंड बैग वेयर शी हैड लेफ्ट इट, गॉट इट। अगला है द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया, ठीक है, डैश ही वाज अफ्रेड, वह क्या था, डरा हुआ था, ही वाज अफ्रेड, वह डरा हुआ था, चोर भाग गया, तो ये कारण बता रहा है ना, ये कारण बता रहा है ना कि वह डरा हुआ था तो चोर भाग गया, तो कारण बताने वाला इसमें से कौन सा है बताइए, ही बिकॉज दैट, तो कारण कौन बताएगा, रीजन कौन बताएगा, बिकॉज, यहां पे क्या हो जाएगा, बिकॉज। अब फिर से पढ़िए समझ में आ जाएगा, द थीफ रैन अवे बिकॉज ही वाज अफ्रेड, चोर भाग गया क्योंकि वह डरा हुआ था, ठीक है, समझा गया। अगला है वी डैश लव डैश रेस्पेक्ट आवर ग्रैंड पेरेंट्स, अब यहां पे क्या होगा, दो है तो यहां पे कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे बताइए, कोड रिलेटिव कंजक्शन यूज करेंगे ना, दोनों पेयर में आएंगे ना, देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दोनों वो सभी पेयर वाले हैं, अब यहाँ कौन सा होगा बताइए, इधर और होगा या इधर नॉर होगा या बोथ एंड होगा बताइए, इधर और का मतलब क्या होता है, इधर और का मतलब होता है कि दो में से कोई एक, नीदर नॉर का मतलब क्या होता है, नीदर नॉर का मतलब होता है कि दोनों में से कोई नहीं, और बोथ एंड का मतलब क्या होता है, दोनों में से दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो ये है तीनों में डिफरेंस, ईदा और का मतलब होता है दो में से कोई एक, नीदर नॉर का मतलब हुआ दो में से कोई भी नहीं, और बोथ एंड का मतलब हुआ दो में से दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, वी डैश लव डैश रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ठीक है, लव पसंद करते हैं, रेस्पेक्ट आदर करते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा बताइए, आप किसका आदर, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, दादाजी दादी जी का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ दोनों होना चाहिए ना, लव भी होना चाहिए और रेस्पेक्ट भी होना चाहिए ना, यहाँ लव और रेस्पेक्ट दोनों होना चाहिए ना, तो दोनों के लिए क्या होना चाहिए, ईदर और से तो कोई एक होता है, नीदर और से दोनों में से कोई नहीं होता है, बोथ और एंड से दोनों में से दोनों होता है, यहाँ पे क्या होगा बताइए, बोथ यूज करेंगे ना, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एंड, तो क्या बना देखिए, वी बोथ लव एंड रेस्पेक्ट आवर ग्रैंड पेरेंट्स, गॉट इट। चलिए यहां देखिए, टू डैश टू मेक फोर, आप बताइए यहां पे क्या होगा, दैट होगा, वाइल होगा, एंड होगा, ये तो इजी क्वेश्चन है, दो और दो मिलकर चार होते हैं, यहां क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा कंजक्शन का तो उसमें जो भी कंजक्शन होगा उसके मीनिंग के हिसाब से हम लोग करेक्ट कंजक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा, ओके, थैंक यू।